हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका अपना कि एक न्यू वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आप जिन लोगों की फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, इस वीडियो में सारा सब कुछ आप सीखने वाले हो, किस तरीके से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हो। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अब यहाँ पर हम ऑक्टाएफएक्स के अंदर ट्रेडिंग करने वाले हैं, सो मैं यहाँ पर आपको कैसे इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है एवरीथिंग आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ऑक्टाएफएक्स के अंदर ही हम यहाँ पे क्यों फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया का बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे ऑक्टाएफएक्स का ही यूज़ करने वाले हैं। अब इसके एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए कि क्यों ये सबसे अच्छा ब्रोकर है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी यहाँ पे मैं सिंपल सा आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, वेरिफिकेशन करना है और यहाँ पे आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है, इतना आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो में बने रहो, आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। ओके सो गाइस, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करोगे। ये हमारा टेलीग्राम है कपना फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसको आप जो है ज्वाइन कर लोगे। 450 लोग यहाँ पे हमारे साथ ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ज्वाइन हो जाओ। जैसे ही आप ज्वाइन हो गए यहाँ पे देखो, ऑलरेडी आज हमने एक ट्रेड दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड भी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को भी मिलेगी। सबसे पहले आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है और टेलीग्राम के अंदर ही ऑक्टाएफएक्स का रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, यहाँ पे डाला हुआ है फॉरेक्स रजिस्ट्रेशन लिंक। सिंपल सा आपको इस लिंक के अंदर क्लिक करना है, जैसे ही आप लिंक के अंदर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके साइड में लगी होगी तो आप सब कुछ दिख रहा होगा सामने, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक आप ईमेल डालोगे, ठीक है, और उस ईमेल से आप रजिस्ट्रेशन करोगे। अब यहाँ पे एक पासवर्ड आपको बनाना होगा, ईमेल डालने के बाद आप पासवर्ड डाल दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ कुछ भी, और यहाँ पे सिंपल सा कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है और साइनअप पे क्लिक कर देना है। अब आपको जो पासवर्ड बनाना है वो क्या रहेगा, 8 डिजिट का मिनिमम रहेगा, उसमें कुछ स्पेशल करेक्टर भी रहेंगे। स्पेशल करेक्टर का मतलब समझ रहे हो, @ #, ऐसे करके, ठीक है। सो इस तरीके से आपको कर लेना है, और जैसे ही आप ये चीज़ रजिस्ट्रेशन करोगे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। सिंपल क्या करना है आपको, तो फटाफट से यहाँ पे मैं अपना ईमेल ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ। यहाँ पे हमें एक ये मेल आया हुआ है, कन्फर्म योर मेल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा क्लिक कर दूँगा कन्फर्म मेल पर, ठीक है। अब ये हमारा ईमेल क्या होगा, वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद ऐसा पेज आपको सामने देखने को मिल जाएगा, प्रोवाइड योर डिटेल्स। तो सबसे पहले तो आप अपना यहाँ पे नाम डाल दोगे, मेरा नाम अंकित सिंह है तो मैं यहाँ पे अंकित सिंह डाल दूंगा, ठीक है। अब मेरी कंट्री इंडिया है तो मैं यहाँ पे इंडिया डाल दूंगा, और आपका जो भी फ़ोन नंबर है यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल लोगे। सपोज़ करो ये मेरा फ़ोन नंबर है, मैं यहाँ पर इसको फिल कर लेता हूँ, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ क्या है मेरी, मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल लेता हूँ, ठीक है। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देता हूँ, और आपको अगर कोई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है तो यस करोगे, अगर नहीं है तो नो पे कर दोगे और सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब सेकंड पेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्रिएट योर फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, स्टैंडर्ड रखोगे या फिर कस्टम रखोगे। देखो स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है, आप जो भी चीज़ें करोगे वो मैनुअली होती रहेंगी, अपने आप होंगी, बट अगर आप कस्टम में इस चीज़ को कर दोगे तो सारी चीज़ें आपको खुद से करना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड में रखोगे ज़्यादा अच्छा होगा, और सिंपल क्रिएट अकाउंट के अंदर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप ये करोगे यहाँ पे ये चीज़ें आपकी आईडी आ जाएगी, सर्वर में कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, करेंसी आ जाएगी और लेवरेज आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आ गई। अब आपको डिपॉजिट करना है या फिर आपको डैशबोर्ड देखना, तो व्यू डैशबोर्ड पे कर दोगे, सिंपल आपको डैशबोर्ड दिखने लगेगा, यानी कि उसका सामने का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, आप इसका चाहो तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, इस तरीके का इसका कुछ ऐप होता है। गाइज आप में से जिन लोगों को भी इसका ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करना है, सिंपल ये है हमारा ट्रेडिंग ऑक्टा ऐप, आपने ये देख ही लिया है। अब यहाँ पे आपको सिंपल प्ले स्टोर में अपने आना है, सर्च करना है ट्रेडिंग ऑक्टा, है ना, पहले ही नंबर पे है, और ये ब्लू कलर का ऐप है, इसको आप सिंपल सा डाउनलोड कर लोगे। यहाँ पे मेरा एक अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मेरे $487 में पड़े हुए हैं। इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको देखने का मिलेगा, बाकी वेरिफिकेशन आप खुद कर लोगे, आपको पता ही है किस तरीके से आधार कार्ड वगैरह सब कुछ डालना होता है, वो वेरिफिकेशन आप आसानी से कर लोगे, वो भी कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखा सकता, क्योंकि फिर से मुझे किसी दूसरे के नाम से अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसलिए वो चीज़ आपको दिखा नहीं सकता। सो डेफिनेटली आप वो चीज़ आसानी से कर लोगे, मुझे पता है,
अगर आप ट्रेडिंग करने आए हो इतना नॉलेज आप रखते ही होगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेना, बाकी आगे की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। सो आप चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लो, बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है ट्रेडिंग के अंदर तो हाँ नीचे आप कमेंट डाउन कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।